नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड्स और मरीज के परिजनों के बीच में नोकझोंक हो गई और दोनों पक्ष वार्ड में घुसने की बात पर आपस में भिड़ गए थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सीहोर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का है और फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी नलिन बुद्धोतिया ने बताया कि भदाखेड़ा अष्टा की रहने वाली रितु मालवीय ने शुक्रवार को अपनी भाभी को जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में भर्ती कराया था। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे वह अपने भाई देवेंद्र के साथ भाभी को पानी देने के लिए वार्ड के अंदर जा रही थी। गेट पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी दिव्या विश्वकर्मा ने उन लोगों को रोक लिया और कहा कि थोड़ी देर बाद जाएंगे। रितु बोली कि भाभी को पानी पिलाने जाना है और इस बात को लेकर अन्य दिव्या से बहस करने लगी है, जो बढ़कर हाथापाई पर उतारे और शोर सुनकर दिव्या के अन्य गार्ड साथी वहां पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में ही नोकझोंक वाली घटना को अंजाम मिला है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट वो अपने